पढ़ने बिठा रखा आपको, आप ये सब मत कीजिए। आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड की डेटशीट आ चुकी है, तो कृपया पढ़ाई करें। आई बात समझ में? गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज है संडे, आज हम पूरे 9 बजे उठे हैं सो के, पूरी छुट्टी का पूरा फायदा उठाया है। ब्रेकफास्ट सब हो गया है, मैं तो नहा भी गई हूँ, ये और इसके पापा भी नहाए नहीं, अनिल जी भी आए हैं, वो अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाने में लगे हैं। और मौसम की अगर बात करूँ तो वो एकदम बादल वाला मौसम है, बीच बीच में कहीं कहीं बादल नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं हल्की हल्की है धूप। कहाँ भाग गया? हल्की हल्की धूप है, सुबह शाम तो है अभी ठंड, लेकिन दिन के समय जब धूप निकलती है ना तो मस्त वाला एकदम मौसम हो जाता है। तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी, संडे का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रही हूँ, हल्की हल्की सी मेहंदी लगाने वाली हूँ बालों में, बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं मेरे। और उसके बाद देखते हैं सब्जी वब्जी लेने जाएंगे मार्केट तक, बाकी दिन भर का। संडे को, संडे एक कैजुअल डे होता है हर किसी के लिए, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, एकदम संडे चाहते हैं वो कि रिलैक्स होकर हम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा संडे फिर भी वैसा ही रहता है, घर के रूटीन वर्क तो रहते ही हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाता कि हम फुल डे रेस्ट करें, ना कभी ऐसा होता कि हम कहीं घूमने जाएँ। घूमने फिरने तो अभी थोड़ी देर हमें ब्रेक देना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीना, क्योंकि हर्षित के एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा स्टिचिंग का मेरा काम था, वो जस्ट मैं करके हुई हूँ फ्री। और वो रहे मेरे घर के दो महान हस्तियां, क्या क्या कर रहे हैं दोनों, क्या कर रहा है? बाल काट रहा हूँ। मत दो इसको अनिल, क्या आप इसको क्यों देते हो ये ट्रिमर? अरे क्या है, मैं कुछ कर तो रहा नहीं है, बाल काट रहा हूँ मैं। तो ऐसे काट अपने हाथों के बाल क्यों काट रहा है? नहीं काट रहा, बाहर है कहीं बाल दिख रहा है? बाल तो हैं, छोटे छोटे हैं, बट हाँ इतने से हैं। हाँ ऐसे नहीं करते बेटा, गंदे आते हैं फिर ट्रिमर से, बाल मत कर। ट्रिमर कोई खेलने की चीज थोड़ी होती है। तो मस्त मैं मेहंदी लगा देती हूँ बालों में, उसके बाद बाकी के दिन भर के जो भी रूटीन होगी आपसे शेयर जरूर करेंगे। और ब्रेकफास्ट अब हमने कर लिया, बाहर का व्यू दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देखो मस्त हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की, आज तो बहुत ज़्यादा लाइट धूप है, बादल तो कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन फॉग फॉग है, फॉग की वजह से धूप बहुत लाइट है। और सब लोगों ने देखिए अपने घर की छतों पर ना कपड़े सुखा रखे हैं, और यहाँ पर भी देखो काम स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी मकान बन रहा है। दत्तनगर में आपको जगह जगह काम ही दिखेगा, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आगे भी पिलर से खड़े किए हैं, वहाँ पर भी काम चल रहा है। और बाहर का भी कुछ ऐसा है कि आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, एक अंकल बैठे हैं बस ऊपर, हल्की हल्की सी धूप है और वो गौ माता खा रही है, बाकी सब ऐसा ही है। रूखा सूखा सा मौसम, चल रही है अंदर बारिश ना आने की वजह से, मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई 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 हो चुका है। तो मेहंदी लगा देती हूँ मैं, उसके बाद ही करूँगी सारे काम, वरना फिर धूप में बैठने के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए ताकि अच्छे से लग जाए। देखिए मैंने इसमें डाला है सिर्फ मेहंदी को, गर्म पानी में घोल के, एक चम्मच मैंने कॉफ़ी डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला, बहुत ही सिंपल सी घोल के मैंने बना दी। वैसे तो कहते हैं कि मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में, मतलब लोहे का कोई भी बर्तन है उसमें घोल लीजिए, उससे आयरन रिलीज़ होता है तो कलर काफ़ी अच्छा चढ़ता है। तो लोहे की कढ़ाई में तो भाई मैंने पोहा बनाया था, वो तो सब्जी बनाने वाली कढ़ाई है, तो मैंने इसी में घोल दिया। सीख रहा है कि कैसे करते हैं? नहीं मुझे को भी आता है। फिर क्या देख रहा है ऐसे ध्यान से? ऐसी देख रहा हूँ अपनी कालीगरी। काली दाढ़ी तो कहीं नहीं है, व्हाइट दाढ़ी, कारीगरी कह रहा हूँ, कारीगरी। अच्छा कारीगरी, मैं मारता हूँ ना, सिखा दो इसको भी। गाड़ी सिखाने के लिए क्या, जो 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 बहुत बड़ी चीज है इसको लेके आते, वो ये नहीं आएगी। ब्लेड से कट लग जाता है, थोड़ा दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। संडे को भैया हमें नाइफ भी बनना पड़ता है कभी कभी, एकदम स्क्वायर बना दो, मैं यहाँ से अच्छे से लगाओ। मैं कोई प्रोफेशनल नाई थोड़ी हूँ, ये तो कभी कभी पीछे से करना पड़ता है, मतलब ये पीछे से शेविंग का दौर बस हो गया। लो पकड़ो, मैं देखो ड्रोन 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 शॉट ड्रोन शॉट ड्रोन 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 शॉट ड्रोन शॉट ड्रोन 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 शॉट ड्रोन शॉट ड्रोन शॉट। ये सर्जिकल ग्लव्स हैं, लेकिन आप पहनने का मौका मुझे उस वक्त मिला था जब मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। है आपने कभी किसी की सर्जरी किया? सर्जरी नहीं, लेकिन इनको पहन के ही करते थे हम लोग काम। संडे का दिन होता ही इसी चीज के लिए, साफ सफाई के लिए, घर की सफाई हो, शरीर की सफाई हो, कलर लगाना हो, कभी कुछ करना हो, संडे होता इसीलिए है। अच्छा यस, ओहो, अब हम लोग सोचते हैं एम्प्लॉयज लोग जैसे मैं, तो चलो 1 बजे तक मैं, जो सुबह से शाम तक जो बाहर जाते हैं ना वर्किंग होते हैं, जो वो सोचते हैं कि संडे को फुल डे रेस्ट हो, और ऐसा कतई नहीं होता है। संडे को सबसे ज्यादा काम होता है, मैंने ऐसा नोटिस किया,
संडे को पूरे घर की सफाई करो और उसके बाद किचन में बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाओ, फिर बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, फिर कभी ऐसे काम हो, नेल्स काटो, कलर लगाओ, मेहंदी लगाओ, बालों की कटिंग करो, कपड़े धो, प्रेस करो। बताओ संडे कैसे फ्री होता है? कौन कहता है कि संडे फ्री होता है? बात तो सही है, बात तो सही है। तो मस्त मैंने मेहंदी लगा दी, अब चलते हैं थोड़ी देर धूप में। और ये देखो मेरी टी शर्ट पूरी तरह से हो चुकी है खराब, इससे पहले कि मुझे सर्दी लगे चलते हैं बाहर थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। हाँ चलिए, वो देखो क्या देख रहे हो आप दोनों, क्या लटकने की जगह, लटकने की तो पंखे का हैंगिंग सबसे बढ़िया होता है पंखे का होल्डर होता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। धूप में आ जाओ, धूप में बैठते हैं जहाँ पे पंखा लगता है ना, सीलिंग फैन, वो सबसे बेस्ट होता है। क्या कह रहे हो, कहाँ ऐसे में कहाँ जाऊंगी, अब मेहंदी लगा दी। तो हर्षित जो है दूध लेने आया था, खाली अपने हाथ में अमूल मिल्क लेके चल रहा है। देखो जरा थैला नहीं दिया आपको ना। क्यों बोला कि किसी चीज के लिए क्या थैला तो गाइज थोड़ी देर धूप सेकने के बाद हम आए थे सब्जियां लेने के लिए। आज फाइनली इस सीजन का हम गाजर का हलवा बनाने की सोच रहे हैं, तो इसलिए हमने लिया है अमूल मिल्क। और ये देखो जी रत्नगर की गंध, और साथ में गंध खाते हुए कुत्ते। दो हफ्तों से हाँ बाहर, मतलब गाजर का हलवा तो हमने खाया, लेकिन खाया मार्केट का खरीदा हुआ। भागो 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 भागो, इससे पहले कि हमारे पीछे पड़ जाए ये, उससे पहले भाग जाओ। अभी तो शांति है, देखो रोड खाली पड़ा है, वरना यहाँ पे क्रॉस करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्जी लेने आए हैं, इतनी सी सब्जी लेने के लिए हम तीनों पधारे हुए हैं। देखो ये इधर, देखो धूप आजकल जल्दी आ जाती, लेकिन इस रोड पे अभी तक नहीं आई धूप, है ना। लेकिन है भाई मौसम ऐसा ही, देखो गंदी गंदी सी पहाड़ियाँ, सूखा सूखा सा मौसम, पता नहीं कब बारिश आएगी, कब बर्फ आएगी। इस बार तो पीओ में भी स्नोफॉल नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि फरवरी मार्च, इस बार ना सर्दी लंबी खिंच जाएगी, है ना। अगर मार्च में आएगा तो मार्च चलेंगे पीओ, हाँ बर्फ से खेलने के लिए। ठीक है जल्दी आना। ओके ओके, तो जो सामान है ना, जो सामान हमें उस शॉप पे नहीं मिला ना, वो आगे जाके लेकर आने वाले अनिल जी। हम दोनों चलते हैं घर, और ये है जी आसपास का व्यू। संडे को यूजुअली बाहर घूमते रहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ बैठा है एक ग्रुप दुकान में, घोड़े घोड़े नज़र आ रहे हैं आज। तो संडे का ब्लॉग ऐसे ही होता है, सुनसान रूखा सूखा। इस बार ब्लॉग भी ऐसे ही है, एडजस्ट कर लेना आपने, संडे का ब्लॉग छुट्टी वाला ब्लॉग। हेलो जी, हेलो, वो देखो वहाँ बैठे हैं मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर। कोई और कुछ काम करे ना करे, पर ये बच्चे अपने काम में लगे हैं। वेरी गुड बेटा, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? गाड़ी बंद कर रहे हो? कहाँ है गाड़ी? इसके अंदर है, दिखाओ जरा कहाँ है। अरे वाह, गाड़ी को दफनाया जा रहा है और यहाँ भी लगे हुए। व्या प्रियल, क्या बन रहा है ये? नमस्ते, क्या बन रहा है ये? हाँ? पार्क बना रही है, पार्क ब्रिज बोल रही है। अब ये गाजर को छील कर और कसने का काम मेरा है, जो कि मुझे सबसे भाई याद काम लगता है। लेकिन गाजर का हलवा गाजर का हलवा खाना है तो इतना सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। अब बैठूंगे फाइनली धूप में, और 1:30 बजे का हो रहा है टाइम, टाइम का पता ही नहीं चला। 9 बजे के उठे हम, मुझे लेट उठे हैं, 9:00 से लेकर अभी तक मैं ही नहाई हूँ, साफ सफाई की है मैंने। मैं तो नहीं नहाऊंगा आज शाम को। ओए पढ़ ले भाई, पढ़ ले, तेरे को पढ़ने का दिया हुआ है। मस्त थोड़ी देर धूप सेकी, और अब हम बनाने जा रहे हैं लंच। आज के लंच में बनने जा रहा है आलू के पराठे, जबकि मेरा कतई मन नहीं था लंच में, बिल्कुल भी मन नहीं करता आलू के पराठे खाने का, लेकिन हर्षित के पापा और हर्षित को खाने हैं, वो भी दही के साथ, इतनी ठंड के मौसम में। देखिए दही, गाइस देखिए दही के साथ खाएंगे हम पराठे, देखिए गाइस। ब्लैक साल्ट किधर है ना? ब्लैक साल्ट अंदर ही रखा है, ज्यादा इसको दमोनी वाले की जरूरत है। अच्छा ये आप जाके अंदर बैठो, मैं कह रही हूँ हमारा झगड़ा हो जाएगा यहीं पर ही। ये फूंक दिया पराठा, आप क्यों वजह से फूंका ये, फूंक दिया गया पराठे को, कंट्रोवर्सी हो रही गाइस।
नहीं ए, देखो ना कैसे भूखे रंगों की तरह खड़े हैं यहाँ। अरे मिल जाएगा, अंदर जाओ तो सही तुम एक बार। आप ही ले जाओ पहले अपने लिए। मैं कह लो जी गर्मा गर्म परांठा। घी लगाया? घी लगा रखा है, भरपूर लगा रखा है। बस हो गया मेरा। हर्षित आपको बताओ एक और परांठा। तो गाइस शाम के 4:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैंने मेहंदी वॉश कर दी है, हेड वॉश किया, पानी गर्म था, हाँ मज़ा आ गया। और एक खुशखबरी ये है कि कल है श्री राम जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की छुट्टी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हर चीज़ की और मेरी तो छुट्टी है, अनिल जी का भी कोई पता नहीं, उनको तो शायद जाना ही पड़ेगा। हो भी सकती है छुट्टी, नहीं भी हो सकती, लेकिन उनका मैसेज नहीं आया है। हम दोनों ने, मैंने तो अपने स्कूल में मैसेज डाल दिया, हम तो बंद ही कर देंगे स्कूल अपना, और हर्षित के स्कूल का मैसेज भी आ जाए। तो अभी थोड़ी देर बाहर सूखने के लिए जा रही हूँ, मैं सुखाने के लिए जा रही हूँ बाहर, धूप में मस्त थोड़ी सी धूप बची है। देखिए सनसेट होने वाला है और बच्चे अभी तक खेल रहे थे बाहर ही। हर्षित अनिल जी मस्त लेटे हैं अपना, हर्षित तो खुश हो गया। हर्षित आप खुश हो? छुट्टी मज़ा आ गया? लेकिन ट्यूशन तो होगी। हाँ आपकी भी छुट्टी है? ये क्या बना रखा तुमने? हमारी तो छुट्टी है। क्या बनाया ये बताओ? ये है तब तो वो। ये है वो यहाँ पे हमने? पार्क। और ये क्या इधर? यहाँ पे रोटियाँ रखी हैं, यहाँ पे चावल थे, वो सब्जी रखी है, यहाँ पे वो प्लेट बनाने को रखी हुई है, ये ऑमलेट बन रहा है, ये ऑमलेट बन रहा है। और वो पीछे उसमें हमने पहले ऑमलेट डाले थे, फिर उसमें डाले थे, वाह ये बैठे तरपाल के ऊपर, वेरी गुड। ये देखो जी बच्चे किस तरह खेलते हैं मिट्टी में, मजे करो बच्चों, छुट्टी है कल। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 6:45 का टाइम हो रहा है और मैं पी रही हूँ शाम की चाय, और शाम की चाय के साथ साथ देखिए गाजर को मैंने पील कर दिया है, एक ये कैरेट बची है मेरे पास पील करने के लिए, साथ के साथ इसे कसेंगे। आज बनाएंगे गाजर का हलवा। खुशी की बात यह है कि अनिल जी की भी छुट्टी है आज, कल 22 जनवरी को राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया में छुट्टी कर दी गई है। अनिल जी की छुट्टी का मैसेज सबसे लास्ट में आया है, हर्षित का सबसे पहले, उसके बाद मेरा। तो मजे से कल का एक और दिन मिल गया हम तीनों को साथ में रहने का। तो अभी 6:45 का टाइम हो रहा है, अब करते हैं डिनर की तैयारी और सबसे पहले इनको कसेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना रहे हैं। वैसे तो कढ़ाई में बनाते हैं हमेशा हम, लेकिन कढ़ाई में ना उसको बहुत टाइम लगता है, इसको चलाते रहना पड़ता है। तो सोच रहे हैं कि इस बार हल्का सा इसको कुकर में थोड़ा सा बॉईल करेंगे, इन कढ़ाई के हलवे का स्वाद अलग होता है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको कस लेते हैं ज़रा सबसे पहले।